अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको अपने सारे बैग्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। और ये मैंने पैकेजेस मॉल से लिया था, स्टाइलो का है मेरे ख्याल से, और ये बहुत ही अच्छा है इसका ना। यहाँ से लेदर जो है ख़राब, बहुत यूज़ करने के बाद इस हालत में है, अभी भी मेरा ये फेवरेट बैग है। लाइट वेट है, हैंड कैरी भी आसानी से हो जाता है। और ये है मेरी कुछ सास के, सासू माँ की मेरी बैग्स हैं, पकड़े मैंने अभी भी इसको कभी नहीं, लेकिन मैंने इसको रखा हुआ है। और ये मुझे गिफ्ट हुआ था, मेरी मामू की बेटी ने दिया था मेरे ख्याल से ये। हाँ जी, ये गिफ्ट हुआ था YXL का, बहुत ही मैंने ये इसको यूज़ किया हुआ है। और ये भी मुझे गिफ्ट हुआ था ब्लैक रंग में, इसको मैं बड़ा प्यार से रखती हूँ। ये छोटा है, और जो असल जो ओरिजिनल होते हैं ना लेदर, वो उसको हवा ना लगे तो वो ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको बड़ा बार बार, ये भी बाहर का, ये मेरा बड़ा फेवरेट लाइट वेट, इसमें आसानी से चीज़ें हैं यहाँ से मैं पकड़ लेती हूँ जब मुझे ज़्यादा बड़े बैग ना पकड़ने हो तो। ये भी है फैंसी सा बैग, और ये बहुत अच्छा बैग था जो मैंने गलती की, मुझे बस फैशन कर रही थी किस टाइप का मैंने सूट पहना, तो उसके ऊपर ये मैंने लगवा लिया। ये बैग बहुत ही अच्छा था, इसको मैंने सारा ख़राब कर लिया। और ये है बैग, पता नहीं कहाँ से मैंने लिया था, मैं भूल गई हूँ ये बैग कहाँ से लिया था मैंने। ये बहुत ही पायदार बैग है, अभी तक ये भी ख़राब नहीं हुआ, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट बैग है। ठीक है, ये बैग है एक, ये भी मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, मैं भूल चुकी हूँ, ये भी मुझे बहुत फेवरेट है, मैं करबला में भी लेकर गई थी। ये वाला भी क्रॉस बॉडी मैंने पकड़ा हुआ था उसको, और ये फर्स्ट टाइम मैं करबला लेकर गई थी बैग, ये यहाँ से ख़राब हो चुका है। और इसके जो अभी भी यहाँ जहाज़ का जो होता है हेमरस का लगा हुआ है, मैंने याद के तौर पर साथ में अभी भी लगाया हुआ है, 6-7 साल हो गए हैं। ये तो बहुत ही बुरी हालत में, ये बाहर से आया था बैग, इसका मैंने बहुत यूज़ किया। और वो जो बैग देख रहे हैं वो इतना यूज़ नहीं होता, कोई मैंने जब मस्टर्ड कलर का ड्रेस या कोई उसके साथ मैच करना हो तो फिर वो उठाती हूँ। ये भी बैग है जो मैं कभी किसी के घर में रहने जाती हूँ तो फिर सामान इसमें डाल के दे जाती हूँ। ये भी बहुत अच्छा बैग है, ये मैंने बहुत आम सा फैंसी ड्रेस के लिए लिया था, साथ में इसी तरह के गोटे वगैरह वाला ड्रेस था उसके साथ मैंने लिया था। ये बहुत ही ज़्यादा मैं मैचिंग करती हूँ ब्लैक एंड वाइट सूट के साथ, मुझे मोस्टली बहुत कम ब्लैक एंड वाइट बैग पसंद आते हैं, तो ये भी बहुत मुझे पसंद आया था। ये बैग भी मेरी सासू माँ का है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब कभी दिल करे तो मैं भी ये उठाती हूँ साथ में, फ़ोन वगैरह भी इसमें इजीली आ जाता है, इसमें तो बिल्कुल नहीं आएगा, इसमें छोटा फ़ोन मेरा आ जाता था, अब तो नहीं आएगा। तो ये वाला बैग मुझे किसने गिफ्ट किया था, ये मेरा स्टाइल नहीं है असल में इस तरह से, बहरहाल ये मुझे कंफर्टेबल बहुत लगा, इसमें लाइट वेट है, इसमें जितना सामान डालो इतना वज़न नहीं होता इसका। और ये बैग भी मैंने पता नहीं कहाँ से लिया था, ये भी मुझे बड़ा पसंद है, यहाँ से लाइट वेट बहुत। ये थे मेरे कुछ बैग, और कुछ बैग्स मैं पता नहीं कहाँ रख के भूल चुकी हूँ, वो मैं निकाल नहीं पा रही, तो जब वो मिलेंगे आपको इंशाल्लाह उनका भी बताऊँगी कि वो कैसे थे और किस तरह से इजी मुझे कंफर्टेबल लगते थे पकड़ने में। ठीक है जी, और ये बेवकूफ़ी मैंने की जो आपने कभी नहीं करनी, अच्छे बैग्स की आम वाला ले लें तो कुछ होता नहीं, ये मैं बहुत ध्यान से रखती हूँ गंदा ना हो जाए। इसका वाइट रंग है, और ये इस तरह से बैग, ये भी बहुत इंग्लिश सिल्वर बैग है, मैं क्लच जो है ना बहुत कम लेती हूँ, मुझे सूट बड़े करते हैं लेकिन मैं बहुत अच्छे वाले क्लच से लेती हूँ। ये थी मेरे बैग्स की कलेक्शन, इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।